रिजवान भाई रेडी हैं? जी सर। हाँ इंशाल्लाह पहुंच जाएगा बस। अल्लाह खैर करे। हाँ मौसम तो बड़ा साफ हो गया। अच्छा जी, तो ये है मेरे साथ रिजवान भाई, ये दाव भाई, और ये इनको तो जानती होंगे, मशहूर और मारूफ शख्सियत खलील भाई। अभी हम नाश्ते का वेट कर रहे हैं, नाश्ता आ रहा है और वो करते हैं और फिर हम निकलते हैं मुजफ्फराबाद के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम हैं मुजफ्फराबाद जा रहे हैं और रस्ते में हैं, स्टे किया है, नमक वगैरह खाई है, कोई बोतल शोतल पी है, और मेरे साथ रिजवान है, खलील है और है अल्ताफ भाई, तो ये सीन है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ीशान इकबाल और अभी मैं हूँ मुजफ्फराबाद में। मेरे पीछे आप व्यू देख रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के व्यू है, और मुजफ्फराबाद के आगे हमारा प्लान है नीलम वैली जाने का। तो नीलम वैली का सीन ऐसा है कि यहाँ से गाड़ी का हमने पता किया वो जाएगी 4 बजे, तो अभी हो रहे हैं 3, अभी हमारे पास 1 घंटा है, तो हमने कहा कि क्या करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। तो अभी दरिया गुजरा है, दरिया के साथ हम बैठे हुए हैं, मैं हूँ, खलील भाई हैं, अल्ताफ भाई हैं और रिजवान भाई हैं, तो इंजॉय करें आप भी, आई होप कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो हमारे साथ साथ रहें, जाते हैं, ये पूरी सीरीज़ बनाएंगे और आपको नीलम वैली दिखाएंगे और आपको केल भी लेके जाएंगे और जितनी भी कश्मीर में जगह है ना, तकरीबन इंशाल्लाह हम 4 से 5 दिनों में सारी कवर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
this, but I kept searching for your traces. Shabir bhai kaise feel kar rahe hain? Neend aa rahi hai bahut zyada. Shabir bhai neend aa rahi hai. Kidhar ho? Abhi humne raat ka dinner bhi nahi kiya, khana tak nahi khaya. So inhone kaha tha 9 baje pahunch jayenge. 10 bhi ho gaye, 11 bhi ho gaye. Abhi bhi nahi. Abhi kaise pahunche hain? Pehle koi khane ka bandobast karte hain aur uske baad fir सौदे करते हैं और कल इंशाल्लाह मीना वैली घूमेंगे और फिर मरन दिया अच्छा जी अभी हम होटल में पहुंच गए, चेक इन करना है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और ये सीन है। क्या यार कौन सा हनीमून पे आए हैं, कोई कोई भी हो जाए यार, कोई भी है। अच्छा जी तो अभी हम पहुंच गए हैं शारदा में और रात का बज रहा है एक, रात का एक बज रहा है। खलील भाई मेरे साथ ही हैं, अभी हम डिनर करके आए हैं और आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं कि ये ट्रिप जो है प्लान हमने कैसे किया। हमने कुछ ऐसे किया कि हम लोकल आए हैं ताकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और लोगों के कल्चर देखें, उनका बिहेवियर देखें। हमने वाह एंजॉय किया, हम लेट काफ़ी हो गए थे बट एंजॉय हमने काफ़ी किया। तो पहले हम मुजफ़्फ़राबाद पहुँचे, मुजफ़्फ़राबाद से 4 बजे निकले। तो मैं ये भी बताता चाहूँ कि मुजफ़्फ़राबाद तक अगर आप पिंडी से आते हैं तो मुजफ़्फ़राबाद तक आपका किराया लगता है 5 रुपये। हम आए हैं स्काईवेज पे तो 5 रुपये वो लगा, हम मुजफ़्फ़राबाद पहुंच गए और उसके बाद हम 4 बजे वहाँ से निकले। वो लगभग कोई किराया था नीलम वैली का, ये शारदा का 390 समथिंग 400 कर लो। तो हमें लग गए हैं कोई 8.5 घंटे। तो 8.5 घंटों के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पर और अभी हो रहा है 1, तो हमने खाना खाना खा लिया है। तो सुबह का हमारा प्लान है, कहाँ जाना है हमने सुबह? हाँ सुबह हमने केल जाना है, वहाँ से अड़नकेल जाएंगे। तो आज का व्लॉग इधर ही हम एंड करते हैं। खलील भाई अल्लाह हाफिज़। ऑडियंस को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, सोते हैं क्योंकि सुबह हमने जल्दी उठना है और जल्दी जल्दी पहुँचना है फिर हमने। ओके जी अल्लाह हाफिज़।